नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। शिव मंदिर पावर हाउस रेलवे हरथला कॉलोनी मंदिर में बड़ी धूमधाम से अष्टमी पर्व मनाया। मुरादाबाद में रविवार को रेलवे हरथला कॉलोनी शिव मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित सतीश उनियाल ने बताया कि शिव मंदिर में प्रत्येक दिन माँ भगवती का यज्ञ किया जाता है। इसमें समस्त जनमानस कल्याण के लिए माँ भगवती से आराधना की जाती है और समस्त भक्तों द्वारा माँ का संकीर्तन किया जाता है। ये प्राचीन मंदिर लगभग 35 वर्ष पुराना है। कहा कि आज मंदिर में नवरात्र अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का यज्ञ किया गया और भक्तों द्वारा कन्याओं को विशेष भोग लगाया गया। इस मौके पर पंडित सतीश उनियाल, मुख्य यजमान मनोज बंसल, अनीता बंसल, यशोदा, मंजू, जेपी शर्मा, डिप्टी गुरु आदि का योगदान रहा। मेरा नाम है पंडित सतीश उनियाल। ये मंदिर शिव मंदिर पावर हाउस रेलवे हरथला कॉलोनी में है और यहाँ प्रत्येक दिन माँ भगवती का यज्ञ किया जाता है। समस्त जनमानस कल्याण के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के लिए माँ भगवती की आराधना की जाती है। सायंकालीन में समस्त भक्तों के द्वारा माँ का संकीर्तन किया जाता है। कितना पुराना मंदिर है? ये बहुत ही पुराना है, कम से कम जो है 30-35 साल से ऊपर है। और इसकी मान्यता है कि इस दिव्य मूर्ति के दर्शन जो भी करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है जो कई वर्ष पुराना है, इसकी भी एक महत्व कृपा है सब पर। जो इस मंदिर में आता है उसकी समस्त कामनाएं माँ भगवती पूर्ण कर देती है। अष्टमी के दिन क्या करेंगे? आज अष्टमी के दिन माँ का यज्ञ हुआ और भक्तों के द्वारा कन्याओं का विशेष भोग लगाया गया। कल यहाँ पर समापन है और समापन में समय भक्तों के द्वारा यहाँ पर यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद कन्या का पूजन किया जाएगा और उसके बाद महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जो कि सुबह 8:30 बजे से चलकर 11 बजे तक संपन्न होगा। क्या अपील करेंगे भक्तों से? एक अपील करते हैं कि अपने पास के मंदिरों में जाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें और उनको सनातन के प्रति जागृत करें। मंदिर में जाएं, स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाएं और पूरे वस्त्रों को पहन कर जाएं। यही मैं भक्तों से अपील करता हूं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जैसे ही वो शिक्षा देंगे वही हमारी आने वाली पीढ़ी उनको ग्रहण करेगी। आगामी क्या और कार्यक्रम होने जा रहा है? आगामी इस मंदिर में भगवान की कृपा रही, सभी कुशल रहे तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा दिसंबर महीने में। और समस्त भक्तों से यही अपील करता हूँ कि इस मंदिर में आकर भागवत कथा का श्रवण करें और श्री कृष्ण वायवांग में जो स्वरूप है उसका दर्शन करें।